हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शिवरपाल। समर्स आ गए हैं और मैं आपके लिए बनाऊंगा पना। और इस वीडियो में आप देखेंगे तीन अलग अलग प्रकार के पना जो कि बहुत अनयूजुअल होंगे। सेब का पना, पाइनएप्पल पना, ग्रेप्स का पना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेब के पने से। तो ये सेब को आपने क्या करना है, देखिए, घर पे अगर आपके पास चूल्हा है तो जिस तरह से आप बैगन सेकते हो उस तरह से इस सेब को सेक सकते हैं। OTG है तो अंदर डाल दीजिए, 180 डिग्री पे लगभग 15 मिनट तक रखिए। एक बहुत बढ़िया रोस्टेड फ्लेवर आता है, वो आना चाहिए, तब आपको सेब के पने में मज़ा आएगा। सीधे इस तरह से काट के बनाएंगे तो नहीं आएगा। इसको काट लेते हैं, ठीक है। ये छिलका इसमें ज़रूर उतार देंगे हम, क्योंकि मुझे छिलका नहीं चाहिए। और अगर छिलका नहीं उतारना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छान सकते हैं। चलिए मैं भी छान लूँगा। बढ़िया, अब एक ब्लेंडर का जार, इसमें ये सेब डाल लेते हैं, ठीक है। शक्कर डाल लें, खट्टा मीठा तीखा होता है, दो बड़े चम्मच ही डालूंगा। जीरा डालेंगे रोस्टेड, थोड़ा सा, आधा छोटा चम्मच डालें। सेब का जो असली दोस्त है ना, वो सिनेमन है, तो हम थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ठीक है जी। काला नमक, ये बहुत ज़रूरी है जी, एक छोटा चम्मच डालेंगे। पुदीना के पत्ते, तो एक 15-20 इस तरह से पत्ते तोड़ के डाल लें। और थोड़ा चाट मसाला डालेंगे, एक छोटा चम्मच। थोड़ा नमक डालिए और नमक शमक करिएगा। इसको पहले पानी डाल के पीस लेते हैं। तो जी, पानी हमने डाल लिया, अब इसे पीस लेते हैं। थिकनेस और कंसिस्टेंसी हम चेक कर लेंगे। ये लीजिए, इसको छान लेते हैं। अब इसमें बर्फ, नींबू, लगभग 1.5 नींबू डालिएगा 2 ग्लास में, तो आपको फ्लेवर जो है खट्टा मीठा चटपटा जो पना का फ्लेवर आता है वो आएगा। ये लीजिए, 1.5 नींबू हमने डाल दिया, पना बिल्कुल तैयार। परोसने की तैयारी कर लेते हैं। ग्लास, पुदीना, ये लीजिए सेब का पना। भाई, सेब का पना, शहद के साथ सेब, हेल्थ और मजा दोनों। चलिए आप बनाते हैं पाइनएप्पल पना। उसके लिए पाइनएप्पल ले लेते हैं, एक पाइनएप्पल काट लेते हैं, ये रख लेता हूं मैं। तो ये अच्छे से साफ कर लें, इसको मैं काट लेता हूं, मिडिल स्टेम जो है वो निकाल देंगे और इसके इस तरह से पीसेस कर लेते हैं, क्योंकि हम ग्रिल करके इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी नहीं है। अब ये पाइनएप्पल जो है, पैन एक मैंने गर्म कर लिया, उसमें हम थोड़ा सा ग्रिल करेंगे, क्योंकि इसका शुगर जो कैरमलाइज होगा वो पना को बहुत एडेड फ्लेवर देगा, ठीक है जी। और बिना तेल लगाए आपने कैरमलाइज करना है, गर्म करना है, ठीक है।
ये डलते ही एक अलग सी खुशबू आने लगी। मजे वाली चीज है ये पाइनएप्पल फना। पाइनएप्पल पता है आपको, एक पेड़ पे सिर्फ एक होता है, साल भर में ऑलमोस्ट एक ही होता है, दैट्स इट। बहुत हेल्दी है, पाइनएप्पल खाएंगे तो बहुत हेल्दी होता है। ये देखिए, इसको टर्न कर लें, ये लीजिए, ये आप निकाल लेते हैं। बाकी भी ग्रिल कर लेते हैं। क्या बात है, ये जो खुशबू है ना, ये बड़ी कमाल की है। देखिए इसमें जो खुशबू आ रही है वो एक एनहेंस्ड फ्लेवर की आ रही है, थोड़ा सा शुगर कैरमलाइज हुआ उसकी खुशबू आ रही है। और इसीलिए पन्हा के लिए ग्रिल करना बहुत जरूरी है, ऐसे बनाएंगे तो फ्लेवर और बेहतरीन होगा। ये लीजिए, सारा पाइनएप्पल ग्रिल कर लिया हमने, बढ़िया। अब ये ग्रिल पाइनएप्पल आप पहले से करके रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद ठंडा करके आप पीस सकते हैं। तो ये एक पाइनएप्पल जो लिया है हमने, उसको हमने काटा है, ठीक है। अब इसके मुताबिक हम अपनी सारी सीजनिंग डालेंगे इसमें। तो लगभग 1.5 छोटा चम्मच काला नमक, ठीक है, ये डालना जरूरी। 1 पूरा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर ये डाल लें। 1 छोटा चम्मच ये जो है क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, ठीक है। 3 चम्मच शक्कर के बड़े वाले हैं, बड़े वाले 3 छोटे चम्मच। और पुदीना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगा, मैं ग्रीन करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए 8-10 पत्ते ही डालें। नमक डालें स्वाद के हिसाब से, ठीक है। तो एक और ये आधा चाट मसाला, ये 1 छोटा चम्मच डाल लेते हैं, चटपटा बढ़िया मज़ा आएगा। अब पानी डाल के पीस लेंगे और नींबू बाद में डाल लेंगे। ये लीजिए, बढ़िया तरीके से हमने पीस लिया। अब छान लेते हैं। तो ये लीजिए, बढ़िया कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, ठीक है। ये मुझे लगता है काफी गाढ़ी है, पना काफी गाढ़ा है। यहां पे पानी डाल लेते हैं और इसमें बर्फ डाल लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर है, बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं बनाना है आपने, थोड़ा सा पाइनएप्पल का कलर भी रखना है इसमें। और हम परोसने के लिए तैयार है, थोड़े से गार्निश कर लेते हैं। ये जो पत्ते हैं इनको ले लेते हैं। तो इस तरह से यहां से काट लें तो गार्निश करने में आसान होगा। ये लीजिए, तो गार्निश की हमने तैयारी कर ली। अब नींबू डाल लेते हैं इसमें, लगभग 2 नींबू लगेंगे इसमें, तो 2 नींबू डाल लेते हैं। और ग्लास परोस लेते हैं। थिकनेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लगभग 1 पाइनएप्पल से 4 ग्लास बन जाने चाहिए ऐसे बड़े वाले, अगर आपने कंसिस्टेंसी करेक्ट रखी तो। ये लीजिए, तो ये रहा पाइनएप्पल पना।
तो अब बनाते हैं काले अंगूर का परा। सबसे पहले क्या करना है आपने, बहुत जरूरी है, सीडलेस ग्रेप्स लिए हैं तो ठीक है, विद सीड्स हैं तो आपको इस तरह से काट के बीज निकालने पड़ेंगे। चेक कर लें, मेरे पास ये सीडलेस है तो चेक कर लें, बीज नहीं तो आप सीधे यूज कर सकते हैं, ठीक है, फिर कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे अब सबसे पहले अंगूर ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पुदीना, 4-5 पत्ते ही डालने, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक छोटा चम्मच काला नमक, शक्कर ये 2 छोटे चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर चुटकी भर डालें, ब्लैक पेपर 1 छोटा चम्मच, नमक जो है स्वाद के हिसाब से डाल लें, और चाट मसाला, ठीक है जी, ये 1 छोटा चम्मच ये लीजिए, और पानी डाल लेते हैं इसमें। पीस लेते हैं, छान लेते हैं, अब इसमें नींबू डाल लेते हैं, 1 नींबू डालते हैं, ठंडा करने के लिए बर्फ ले लीजिए, वाह। अब इसका कलर देखिए, मैंने पुदीना इसलिए ज़्यादा नहीं डाला, हल्का सा डाला है, क्योंकि इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि रेड ग्रेप्स, काले अंगूर का जो कलर है वो ख़राब हो, तो ये रख लेते हैं और परोस लेते हैं। काले अंगूर का पना बना के पीजिए, इसका जो स्किन होता है ना उसमें रिजर्वेटर होता है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो अगर आप ऐसे बना के पियेंगे तो और भी मजा आएगा। तो इस समर में 3 प्रकार के पना, 3 गुना मजा।